मोहतरम राना मोहम्मद इकबाल साहब, आप साहब स्पीकर हैं और मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। सर क्या देख रहे हैं सर, कुछ अपोजिशन और हुकूमत के माबैन असम्बली में जो मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, को आप समझते हैं इससे बेहतर नतीजे आगे मुस्तकबिल में बरामद हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले मामलात कुछ और तरह के थे लेकिन अब काफ़ी बेहतरी आई है काफ़ी कामों में। तो कई बातें ऐसी हैं जो अपोजिशन को भी काबिल कबूल होती हैं, जिस तरह से कि एक हमारा बहुत बड़ा मसला था प्रोडक्शन आर्डर का, वो मेहरबानी की है स्पीकर साहब ने खसूसी तौर पर, और बाकी मामलात में भी वो काफ़ी बेहतरी की तरफ अब काम जा रहा है। लेकिन दूसरा जो काम है जो आप पूछ रहे हैं कि हालात कैसे हैं, हालात कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो भी काम अधूरे छोड़ रहे हैं, जो पहले प्रोजेक्ट चल रहे थे उनमें ये कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे, हमारे लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए नहीं कर रहे। वजह क्या है, वजह क्या देखते हैं? भूख और अफलास जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है सारे मुल्क में, और गिराए जा रहे हैं लोगों के मकान भी और लोगों की दुकानें भी। आप भी दिन रात ये देखते हैं, उधर काश्तकार भी बड़ा इस वक्त परेशान है, खसूसी तौर पर ये जो कुछ मिलें चल गई हैं, कुछ मिलें अभी नहीं चली, और जो चल गई हैं वो भी पैसे पूरे नहीं दे रही हैं, बल्कि वो 160 के हिसाब से दे रहे लेते हैं, और कहते 180 हैं लेकिन देते 160 की उन्होंने अभी बात की है, पता नहीं उस पर भी पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते, बहुत परेशानी है। शिकार आपने यहाँ देखा होगा, बाकी जो मीडिया के साथ जो कुछ सलूक होता है वो भी आपको पता है, और एक दूसरे की पगड़ी उछालना और दूसरे को अकील समझना ये सियासतदान का काम नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था ये क्यों कर रहे हैं, क्या इनमें कोई इतनी अहलियत नहीं है, क्या जो लोग लेकर जैसे आप कह रहे थे कि मुसल्लत किए गए, या वो लोग चाहते हैं कि ऐसे किया जाए, ये क्या ऐसा सारा कुछ? नहीं, वो मुसल्लत की बात तो नहीं, जो बात नेशनल असम्बली में होती है आप हर रोज़ सुनते हैं कि किस तरह कौन रहा, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनको हुकूमत तो मिल गई है लेकिन अभी चलाना इनका काम था, और ये 5 महीने में कोई अच्छे रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे। सर आपने हमेशा जो है ना एक अच्छे कस्टोडियन का किरदार अदा किया है। सर हमारे चीफ साहब नए आए हैं खोसा साहब, कुछ नेक तमन्नाएं नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे? जी यकीनन खोसा साहब जो हैं नए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, मुझे नहीं पूरी कौम को उनसे अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और वो इंसाफ पर इंसाफ मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ कि वो करेंगे, लेकिन वो सुबह मोटों में वो थोड़ा सा इज्तनाब करेंगे जो मैं समझता हूँ। थैंक यू। यूनस मोबाइल होलसेल डीलर, ऑल मोबाइल ब्रांड्स अवेलेबल, 25 इयर्स ऑफ ट्रस्ट, एड्रेस 29 मेन हॉल रोड लाहौर, फोन 04237244485। कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा, पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर, फोन नंबर 9242372314।